हम मुंबई का चिकन कोरमा बना रहे हैं, झटपट रेसिपी है। रहमान रहीम, एक किलो चिकन है और 150 ग्राम दही है और एक वाटी 100 ग्राम तेल है ये, और 2 चम्मच अदरक लहसुन है और 4 चम्मच कश्मीरी मिर्ची है। हम लोग कश्मीरी मिर्ची डाल रहे हैं, आप चाहे तो तेज मिर्ची भी, आप तीखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक टेस्ट के हिसाब से है। और मिर्ची मैंने ली हूँ ये 4 चम्मच, इससे ली हूँ कश्मीरी मिर्ची, और धनिया भी इससे, और अदरक लहसुन भी इससे। और ये 2 कांदे हैं, ये 2 कांदे हैं, और ये काजू है, आप काजू अपने हिसाब से ले लेना, काजू और बादाम 5-6 बादाम है। और ये कद्दू की बीन है ये, और अभी हम इसको मैरिनेट करें। इसको अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं अच्छे से मैरिनेट हो गया ये। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे, और जब सालन पकेगा तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बना के रख, बाद में बनाएंगे पेस्ट, इसका ढक के रख देंगे 1 घंटे के। 100 ग्राम 1 कटोरी तेल गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया है, मैरिनेट किया हुआ चिकन अभी डाल रहे हैं इसमें। अभी हमने इसमें पूरा मैरिनेट किया हुआ मसाला चिकन इसमें डाल दिए, अभी इसको हम अच्छे से भुनेंगे, और इसमें सब मसाले इसमें सब आ गए। और अभी जो है काजू बादाम जो है वो अभी उसका पीस के उसका पेस्ट इसको डालना बाकी है, जब ये आधा चिकन पक जाएगा ना तब डालेंगे इसको, तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। अंदर मसाला भून लिए हैं, थोड़ा सा पानी डालें, और अभी इसको ये डालेंगे पेस्ट को, काजू बादाम जो था ना उसका पेस्ट है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जितना पानी की ज़रूरत रहेगी उतना हम शेरवा छोड़ेंगे, जितने शेरवे की ज़रूरत रहेगी उसमें पानी छोड़ेंगे। करने में आगे पीछे हो गया, अभी हमने उसको डाल दिए पेस्ट को, काजू और बादाम को डाल दिए। अभी हम इसमें शेरवा जितना चाहिए उतना पानी छोड़ेंगे, उसको फिर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। गर्मा गर्म कोरमा तैयार हो गया है, आप रोटी के साथ में खाएं या नान के साथ में खाएं, और आप कमेंट्स करके फिर बताना।